कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो कल हमने प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस मनाया, तो कल हम प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा नहीं किए, हम सिर्फ प्रभुपाद की लीलाओं पे हम श्रवण कर रहे थे। तो यहाँ वर्णन किया गया है लीलामृत में आगे, जो कल कृष्णचंद्र प्रभु भी उनके तिरुभाव पे चर्चा कर रहे थे। कई चीजें यहाँ पे इतना लीलामृत में इतना डिटेल्ड में नहीं दिया गया है। जैसे मैंने बताया था कि लीलामृत में सिर्फ एक लाइन में बताया गया है कि प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के समाधि पे गए मायापुर में, लेकिन जो है उसके बारे में मैंने राधानाथ महाराज से सुना है कि कैसे प्रभुपाद कई बार अपने गुरु महाराज के समाधि पे गए हुए थे और घंटों घंटों तक प्रभुपाद जो है वहां पे प्रार्थना करते थे, और उधर के पुजारी भी उनको पहचान चुके थे। लेकिन जब वो वापस आए अमेरिका में प्रचार करने के बाद, और जब उनके बहुत सारे शिष्य थे और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर ली थी, तब वो पुजारी पहचाने कि ये तो वही बाबू है जो सफेद कपड़े में आते थे पहले और यहाँ प्रार्थना करते रहते थे, और अभी सन्यासी हैं और इन्होंने ये इस्कॉन की स्थापना की है और विश्व भर में इन्होंने मंदिर खोला है और विश्व भर में उनके शिष्य हैं। तो देखिए, जो प्रार्थना किया हुआ रहता है वो कभी खाली नहीं जाता। यहाँ तक कि कल के राधानाथ महाराज ने जो प्रभुपाद जी को ऑफरिंग बता रहे थे, तो उसमें बोल रहे थे कि पूरा भागवतम प्रार्थनाओं से भरा है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, जितने भी महान भक्त है वो हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। तो अगर हम भी प्रार्थना कर सकें तो हमारा जीवन भी सफल होगा और हम दूसरों को भी कल्याण कर सकते हैं। तो महाराज खुद बोलते थे कि क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही किताब लिखी है अभी तक में, जर्नी होम, और दूसरा लिखा महाराज ने जर्नी विदिन। और ये दोनों किताबें भी जो इसलिए आई थी क्योंकि जर्नी होम भक्ति तीर्थ महाराज चाहते थे कि भाई आप एक किताब लिखिए आपके जीवन के ऊपर। तो महाराज बता रहे थे कि मैं वैसे लेखक नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे प्रार्थना करने बोले तो मैं प्रार्थना करने के हमेशा तत्पर रहता हूँ। आई एम नॉट अ राइटर बट आई एम अ प्रेयरर, ऐसे करके महाराज ने बताया था। तो महाराज जब राधा गोविंद मंदिर के सामने थे, पहली बार राधा गोविंद में जयपुर में गए महाराज दर्शन करने के लिए, तो राधा गोविंद का जो विग्रह है वो वही विग्रह है जो रूप गोस्वामी प्रार्थना करते थे, जीव गोस्वामी प्रार्थना करते थे। तो उनके सामने महाराज गए तो लगातार 6 घंटा महाराज प्रार्थना कर रहे थे। फिर वैसे ही महाराज जब तिरुपति जी का उनको विशेष पास मिला था और वो सुबह सुबह गए थे 5 बजे से, तो 5 बजे से तकरीबन 12 बजे तक 7 घंटा उनको अंदर ऑल्टर में रहने को मिला था। तो 7 घंटा महाराज तिरुपति बालाजी से भी प्रार्थना कर रहे थे। तो ये तो सिर्फ एक दो किस्से मुझे मालूम है जहाँ महाराज इतना प्रार्थना कर रहे थे। तो हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का हमेशा जो है उससे हम हमारा मन की शुद्धिकरण भी होती है और दूसरों का कल्याण भी होता है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वापस से यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुंच इधर अमेरिका पहुंच चुके हैं, बटर पेंसिल्वेनिया में वाईएमसीए में रह रहे हैं। तो वाईएमसीए में भी रहने का उद्देश्य ये था कि जो सैली अग्रवाल है वो इस सन्यासी को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। उनको लग रहा था ये सन्यासी हमारे बीच में रहेंगे तो हमें कैसा रहेगा। तो उन्होंने उनका रहने का वाईएमसीए में जो एक हॉस्टल जैसा था वहां पे प्रबंध कराया था। तो प्रभुपाद के पास पैसे नहीं थे इस वक्त, जो हमें मालूम है प्रभुपाद सिर्फ 40 रुपया लेके गए थे और $20 उनको जो मिले थे भागवतम सेल करके। तो प्रभुपाद जो है रोज सुबह को आधा घंटा लगता था चलकर जाने के लिए, तो रोज आधा घंटा से ऊपर चल के जाते थे वाईएमसी से इनका जो मकान था स्टर्लिंग अपार्टमेंट्स में। और जो है वो हमेशा जो है वो अपने साथ वो लेकर आए थे सूखा हुआ जो है गेहूं, तो वो लेकर आने का उनका उद्देश्य ये था प्रभुपाद का भारत से कि अगर भोजन के लिए मुझे कुछ नहीं मिले तो कम से कम कई महीनों तक मैं ये खा के अपना निकाल सकूं। तो लपसी जैसा होता है उसके जैसा था। तो प्रभुपाद रोज सुबह को नाश्ते में लापसी उबालते थे और वो दूध के साथ लेते थे।
फिर बोलते हैं कि 7:30 बजे तक गोपाल अपने काम के लिए निकल जाते थे और प्रभुपाद से 9:30 बजे जो है अपना रसोई का खाना बनाना चालू करते थे। तो क्योंकि उनके पास तो वो बेलन और वो सब था नहीं, तो प्रभुपाद हाथ से ही चपाती बनाते थे, ऐसा वर्णन किया गया। और तकरीबन तकरीबन वो 2 घंटा जो है वो खाना बनाते थे और फिर 11:30 बजे प्रभुपाद प्रसाद देते थे। अब प्रभुपाद ने ऐसे प्रारंभ किया। देखिए अभी यहाँ पे वापस से मालूम चलता है कि प्रभुपाद का दृष्टिकोण कैसे था, प्रभुपाद के विचार कैसे थे। अभी प्रभुपाद से अपने लिए भोजन बनाना चाहिए उनको, लेकिन प्रभुपाद घर में जितने लोग थे, मतलब सैली और उनके जो हस्बैंड थे गोपाल अग्रवाल, उसके लिए और उनके बच्चे, तो उनके लिए भी बनाते थे, तो सबके लिए प्रभुपाद खाना बनाते थे। और सैली अग्रवाल याद करती है कि कैसे प्रभुपाद का जो है वो स्टीम कुकिंग का था, जिसमें नीचे दाल बनाते थे और उसके स्टीम से ऊपर सब्जी अपने आप पक जाती थी। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने 11:30 बजे तक, जब उनके हस्बैंड वापस आते थे 7:30 बजे काम के लिए जाते थे और 11:30 बजे वापस आते थे, तो सैली हमेशा उनको सैंडविच खिला के भेज देती थी। लेकिन जब से प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद पूरा उनके लिए खाना बनाने लगे, मतलब उनका जो है चपाती दाल सब्जी, और ये सब जो है खा के जो है पूरा परिवार खुश हो गया। यहाँ तक कि सैली और गोपाल ये दोनों भी खुश हो गए कि पूरा हमें अच्छा लंच मिल रहा है खाने के लिए। तो प्रभुपाद अपने इस कार्य से पूरा परिवार को अपने साथ ले लिए, उनको प्रसन्न कर लिए। तो प्रभुपाद तो भारत के सन्यासी थे, उनको तो अमेरिका का मालूम नहीं था। तो बताते हैं कि उनको वो बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाते थे, सुपरमार्केट में, और वहां पे सब चीज फ्रोजन तरीके में मिलता था, भले वो मटर बोले भले वो भिंडी बोले। तो प्रभुपाद को वो सब देख के बहुत अच्छा लगता था कि भाई काटने और छीलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें से लेकर आओ फ्रीजर में से और उसको धो के सीधा खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तो जब वो प्रभुपाद आराम से सोफा में बैठते थे तो देखते थे कि कैसे वो वैक्यूम क्लीनर से पूरा घर साफ कर रही थी। तो ये सब चीजें भारत में नहीं थे, ये 1965 की बात चल रही है। तो प्रभुपाद वो सब चीज देख के जो है वो आकर्षित हो गए थे। तो वो याद कर रही है सैली अग्रवाल की प्रभुपाद के साथ बहुत आनंद आ रहा था, जितने समय भी वो हमारे साथ रहे तो वो हर कार्य करते थे, वो हमारे साथ काफी हंसते मिलते थे और उनके साथ बहुत आनंद आता था। तो फिर बोलते हैं 1 बजे तक प्रभुपाद प्रसाद साथ लेके वापस से वायमसी के लिए निकल जाते थे। फिर 5 बजे तक जो है 1 से 5 प्रभुपाद अपना फिर भागवतम का लिखने का कार्य करते रहते थे। और फिर 6 बजे तक वापस से प्रभुपाद इनके घर पे आते थे और घर पे आकर जो है वो फिर शाम का प्रोग्राम करते थे। अभी शाम को कई बार ये जो है अग्रवाल सैली और गोपाल ये लोग नॉनवेज खाते थे, तो प्रभुपाद ये हर बार देर से आते थे और उसके उनके आने से पहले ये लोग साफ सफाई करके छोड़ देते थे कि जिससे प्रभुपाद को कुछ ज्यादा मालूम ना चले। एक बार प्रभुपाद थोड़े जल्दी आ गए और उनका नॉनवेज पक ही रहा था उस वक्त घर में, तो वो प्रभुपाद को बोलने लगी, अरे स्वामी जी आज हम लोग का इधर नॉनवेज बन रहा है और उसका खुशबू आएगा और आपको बुरा लगेगा। तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोग अपना करते रहिए करके। प्रभुपाद उसको जरा भी बुरा नहीं लगने दिए। अब देखिए सन्यासी हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में जो है नॉनवेज देखा भी नहीं है, पर अभी प्रचार के लिए उनको ऐसे लोगों के घर में रहना पड़ रहा था जो नॉनवेज खाते थे, पर प्रभुपाद उनको भी संभाल के चलते थे, उनके लिए भी भोजन बनाते थे, उनका बनाया हुआ नहीं खाते थे पर प्रभुपाद जो है खुद बना के इनको खिलाते। तो फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक जो है वो सब लोगों से बात करते थे, प्रचार करने की कोशिश करते थे। अब यहाँ पे हम दूसरा पहलू देख रहे हैं कि प्रभुपाद संघर्ष कर रहे थे विदेशी लोगों को जो है भक्त बनाने के। तो भारत में तो हमने देखा कितना असफल रहे हैं, अभी यहाँ पे रोज 3 घंटा उनका प्रीचिंग में चलता रहता था। तो सब लोग उस समय कॉफी पीते थे, प्रभुपाद सिर्फ 1 ग्लास गर्म दूध लेते थे और फिर रात को वापस से वायमसी चले जाते थे। तो ये प्रभुपाद का दिन भर का कार्य रहता था, सुबह आना, ब्रेकफास्ट लेना, फिर दिन भर में पूरा लंच बनाना सबके लिए, लंच खाना, फिर रूम पे जाना, अपना भागवतम पढ़ाई करना, लिखना वगैरह वगैरह, और फिर शाम को आके प्रोग्राम करके दूध पी के सो जाना। तो उनका एक लड़का था सैली अग्रवाल का, जिसका नाम था ब्रिज, जो 6 महीने का था, और वो बताया जाता है कि प्रभुपाद के सामने पहली बार चलना चालू किया।
तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और जब पहली बार चलने लगे तो प्रभुपाद एकदम खड़े होके जो है ताली बजाने लगे और बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये छोटे बच्चों का आदत होता है, वो कुछ भी मुंह में लेके चबाते रहते हैं, तो उसने स्वामी जी के प्रभुपाद के जूते ही चबा दिए। तो एक तरह से सैरी बोल रही है बहुत अच्छी बात है कि ये तो इतने बड़े सन्यासी का महा उनके मुंह में गया। फिर दूसरी उनकी पुत्री थी जिसका नाम था पामेला, और बताया जाता है पामेला स्कूल में जीसस के बारे में सीख रही थी। तो जैसा उसने जीसस के बारे में सीखा और घर में आके देखती थी स्वामी जी को, तो उसको ये लगा कि ये भी जीसस जैसे ही है, तो उसको वो स्वामी जीसस करके बुलाने लग गई प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद को भी ये अच्छा लगा कि चलो कोई तो समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। तो फिर प्रभुपाद अपना वापस से संघर्ष अलग अलग जगह प्रारंभ किए। प्रभुपाद बताया जाता है लायन क्लब में गए, वहां पे उन्होंने प्रोग्राम किया। फिर सेमिनरी कॉलेज इन हरमन पेंसिल्वेनिया, वहां पे प्रोग्राम किया। फिर जो जो गेस्ट आते थे अग्रवाल जी के घर पे शाम को, उनको प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद अपना जितना हो सकता था वहां प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक प्रोफेसर थे लार्सन के, जो चेयरमैन थे फिलोसफी डिपार्टमेंट ऑफ स्लिपर रॉक स्टेट कॉलेज के, तो उन्होंने जैसे ये बटलर ईगल जो न्यूज़पेपर था उसमें सुना कि भाई एक इंडियन स्वामी आए हैं, तो उन्होंने बोला अरे इनको जो है हमारे कैंपस में आना चाहिए प्रवचन देने के लिए, क्योंकि भारत से आए। तो वो विशेष रूप से प्रभुपाद को पेंसिल्वेनिया से अपने गाड़ी में लेके गए। तो बताए थे गाड़ी में बात करते समय वो उनका नाम पूछ रहे थे, तो प्रभुपाद ने बोला मेरा नाम आप बताइए इंट्रोडक्शन के समय, स्वामी जी भक्ति वेदांत। तो अभी इंडियन नाम लार्सन जी ने कभी सुना नहीं था, तो दो तीन बार तो उसको समझ में ही नहीं आया क्या बोलना है कैसे बोलना है। तो प्रभुपाद जो है आराम से उसको समझाते रहे। तो लार्सन जी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद ने देखा कि मैं बहुत धीरे से सीख रहा हूँ, पर प्रभुपाद ज्यादा विचलित नहीं हुए, वो मेरे को समझाए सिखाए किस तरह से मुझे उनका नाम बोलना है। और फिर बताते हैं कि कैसे उन्होंने कार्यक्रम किया जहाँ पे कई हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जो है उन्होंने कई सैकड़ों जो है स्टूडेंट्स उन्होंने प्रभुपाद का प्रवचन सुना। तो प्रभुपाद जो है माइक्रोफोन पे लेक्चर दिए और फिर लोगों के जो प्रश्न थे वो उसका जवाब दिए। तो 50 मिनट का एक क्लास होता था प्रभुपाद का, और प्रभुपाद के कोई कई क्लास देने को मिले वहां पे। तो प्रभुपाद के बारे में याद कर रहे हैं कि जब वो प्रवचन नहीं देते थे तो खाली समय में प्रभुपाद हमेशा जप करते रहे। तो देखिए ये एक भक्तों का एक बहुत मुख्य लक्षण है कि वो हमेशा खाली समय में जो है भगवान का नाम जप करते रहते। मैं जितने समय भी जनानिवास प्रभु के साथ भी बिताया हूँ तो मैंने उनको भी देखा है कि जब भी उनके पास समय खाली रहता है, यहाँ तक कि हम लोग रास्ते पे कहीं चल के जा रहे हैं या कभी वॉक पे जाते थे तो उनके हाथ में हमेशा माला रहता था और माला हूँ हमेशा करते रहते। तो जो गीता में भागवत में लिखा है और जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अमृत में बताया है कि कीर्तन या सदाहरी सततम कीर्तन तो मां, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। और यहाँ तक कि अभी मैं देख रहा हूँ कि जो दूसरे भक्त हैं जो बड़े बड़े भक्तों के साथ रह के भक्ति भाव में ज्यादा प्रेरणा ले रहे हैं, तो वो लोग भी हाथ में काउंटर रखते हैं। तो काउंटर रखने का उद्देश्य ये है कि भले ही वो टैक्सी में जा रहे हों, भले ही वो दूसरे कार्य में जा रहे हों, तो हाथ में काउंटर से जो है हमेशा महामंत्र चलता रहता है उनका। तो जप माला हर बार कैरी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन काउंटर के द्वारा वो जप करते रहते हैं। तो ये जो है विधि है जो हम सब भक्तों को जानना चाहिए कि हम हमेशा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे मुख से महामंत्र निकलते रहना चाहिए। तो उससे हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे और हमारी चेतना कृष्ण भगवान से जुड़ी रहेगी। तो प्रभुपाद बताया जाता है कि 1 बजे तक प्रवचन दिए। अभी 1 बजे उनका 1 बजे तक भोजन लेते हैं। अब यहाँ पे तो भोजन कुछ होना था नहीं क्योंकि प्रभुपाद बाहर आए थे प्रचार करने के लिए। तो एक मोहन शर्मा जी करके थे एक इंडियन, उनके घर पे गए और प्रभुपाद ने वहां पे दूध और ड्राई फ्रूट्स प्राप्त किया, ऐसे करके वर्णन किया गया। और फिर बताते हैं कि ये लार्सन जी को लगा कि प्रभुपाद जो है भारत से आए हुए प्रमाणिक साधु हैं और वो भागवत अनुवाद करेंगे यहाँ रह के, पर उनको ये नहीं लगा कि कभी वो पूरा आंदोलन चालू कर सकते हैं या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि प्रभुपाद अकेले थे और उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, कोई लोग नहीं थे।
तो इतना उस समय में आगे भविष्य में क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं था। तो प्रभुपाद ने जो प्रार्थना किया था, जब प्रभुपाद जलदूत जब पहुंचा था अमेरिका, कि ये जो दिव्य ज्ञान है वो लोगों का हृदय में प्रवेश करेगा और लोगों का जीवन से जो दुख है वो पूरी तरह से हट जाएगा। और प्रभुपाद उसके लिए रुके हुए थे और प्रभुपाद कोशिश कर रहे थे, पर प्रश्न ये था कि यहाँ के अमेरिकन लोग क्या ये सिद्धांत, क्या ये भक्ति का भाव समझ पाएंगे, क्या उनको उसमें रुचि होगी, क्या वो शरणागत होंगे। तो ये सब चीजें समय ही बताएगा। तो ये जो प्रश्न अमेरिका के लिए है, वही प्रश्न शायद हमारे जीवन में भी है। हम समझ तो रहे हैं, हमें थोड़ा उत्साह तो है, हम प्रवचन सुन तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या हम शरणागत हो रहे हैं और क्या हम अपने जीवन में इसको पूरी तरह से उतार रहे हैं। जैसे राधानाथ महाराज कल बता रहे थे, जय प्रभुपाद बोलना, श्रील प्रभुपाद की जय, वो बहुत आसान है, लेकिन असली में अगर आपको प्रभुपाद का धन्यवाद करना है तो उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल जो हमें प्रभुपाद ने दिया है। और कृतज्ञ होने का तरीका यह है कि प्रभुपाद जो हमसे चाहते हैं वो हम करें, अर्थात कम से कम 16 माला 4 नियम पालन, तब आप सही में प्रभुपाद को जो है आप बता रहे हो कि हाँ मैं वाकई कृतज्ञ हूँ आपका, जो आपने मुझे इतना सब दिया है। तो जय बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसका पालन करना बहुत मुश्किल। लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम इसको पालन कर सकें। फिर यहाँ पे बता रहे हैं, सुमति मोरारजी की चिट्ठी आई प्रभुपाद को, और बोल उसमें चिट्ठी में लिखा था कि आप को सी सिकनेस हुआ था, अभी उम्मीद करते हैं कि आपकी तबीयत अच्छी होगी। और मुझे ये भी सुन के अच्छा लगा कि आपने अमेरिका में प्रवचन देना चालू किया, तो मैं प्रार्थना करती हूँ अपने बाल कृष्ण से कि आप जो है जो भागवतम का ज्ञान है वो लोगों को उधर दे सके। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपना तबीयत अच्छा बना लीजिए और आपका जो मिशन है उसको पूरा करने के बाद ही आप अमेरिका से वापस भारत आइएगा। तो प्रभुपाद को ये जो आखिरी लाइन था वो बहुत अच्छा लगा, कि जो उसने बोला था कि आप अपना मिशन पूरा कर कर आइएगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं उनको पास भले ही कोई मदद करने वाले ज्यादा थे नहीं, उनके पास सिर्फ 1 महीने का स्पॉन्सरशिप था बटलर में, और प्रभुपाद सोचे कि मेरे को एक और महीना रहना चाहिए, क्योंकि 2 महीने का तो उनके पास वीजा था ही पहले ही, और वो 1 महीना एक्सटेंड कर सकते थे। तो प्रभुपाद मन में सोच रहे थे अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ, और उससे पहले फिलाडेल्फिया, तो अभी पेंसिल्वेनिया में थे। तो वहां से प्रभुपाद ने वहां से निश्चय किया कि मैं वहां से पेंसिल्वेनिया से फिलाडेल्फिया जाता हूँ और वहां से न्यूयॉर्क, क्योंकि वहां पे इतना प्रचार पूरी तरह से सैली अग्रवाल के घर पे इतना फैल नहीं रहा था, लोग आकर्षित थे, थोड़े प्रोग्राम्स किए थे, पर प्रभुपाद को पूरे इस्कॉन की स्थापना करनी थी। उसके उद्देश्य से प्रभुपाद जो है वो 1 महीने के बाद निकलना चाहते थे। तो जैसे अग्रवाल परिवार को ये मालूम चला, सैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल को, कि ये जा रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो बोलते हैं 1 महीना हो चुका था, हम लोग तो बिल्कुल स्वामी जी के हमको आदत लग गई थी, हमको उनके संग में इतना अच्छा लग रहा था। और लेकिन प्रभुपाद को वहां से फिलाडेल्फिया, जो दूसरा स्थान है, वहां जाना था। तो ये सोचने लगी सैली अग्रवाल कि फिलाडेल्फिया में कोई खास उनको जानता नहीं है, न्यूयॉर्क में भी कोई जानता नहीं है, तो ये अकेले कैसे जो है प्रचार कर पाएंगे। तो ये सब सोच के उसको काफी चिंता हो रही थी। सैली अग्रवाल बोल रही कि इतने समय में, अभी 1 महीना हो गया था तकरीबन तकरीबन, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पिता के समान है, मैं उनकी जो है बेटी हूँ, तो वैसा मेरे को अनुभव होने लगा था। तो फिर बोलते हैं जिस रात को निकल रहे थे, तो उस समय उनके जो पति हैं सैली के, जो गोपाल अग्रवाल हैं, तो वो पिट्सबर्ग लेके गए और उनको बस में चढ़ाया, और उनको बस में बैठाने से पहले उन्होंने उनको काफी सिक्के दिए, क्योंकि प्रभुपाद को बार बार स्नान करने का आदत था। अब देखिए जो ब्राह्मण होते हैं वो दिन में 2-3 बार स्नान करते हैं, 3 बार, तो प्रभुपाद भी 3 बार स्नान करते थे। तो ये उधर इतना कहीं पे संभव होगा कि नहीं होगा, तो उधर बस स्टेशन पे स्नान करने का जगह था, तो वहां पे सिक्के डाल के स्नान कर सकते, तो उनको काफी सिक्का दिया था।
गोपाल जी ने, और बताया कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है और फिर कहाँ वो भोजन कर सकते हैं और कहाँ वो भोजन नहीं कर सकते। तो वो जो नॉनवेज और वो सब था, तो वो भी उन्होंने, गोपाल जी ने उनको पूरा बताया। तो प्रभुपाद जो है वो हमेशा पूरा कृष्णा पे निर्भर थे, और जो कृष्णा उनके लिए आगे कराना चाहते थे उसके लिए वो तैयार थे, क्योंकि प्रभुपाद के लिए YMC में रहना और अग्रवाल के घर पे रहना, क्यों, क्योंकि वहां पे उनको थोड़ा रहने का प्रबंध है या भोजन हो रहा है या थोड़े लोग सुन रहे हैं, वो उनका उद्देश्य नहीं था। प्रभुपाद का स्पष्ट उद्देश्य था कि वो भक्ति का प्रचार करना चाहते थे, तो इसलिए उनके लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना कोई मुश्किल कार्य नहीं था, क्योंकि 10 साल से जब उन्होंने वानप्रस्थ लिया था वो पूरी तरह जो है वृंदावन में, दिल्ली में वो कार्य कर रहे थे, और उनको पूरी तरह से आशा था कि कृष्णा भगवान मदद करते थे, कर रहे हैं उनको। तो उनको एक चीज अच्छा लगा अमेरिका के बारे में कि उधर जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल रहा है, और दूसरा लोग वहां पे प्रभुपाद का हिंदी समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी समझ पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जिस तरह से अंग्रेजी बोलते थे तो उनको समझ में आ रहा था लोगों को, तो ये देख के जो है प्रभुपाद काफी उनको अच्छा लग रहा था। तो अभी प्रभुपाद जो है फिलाडेल्फिया जाते हैं, फिलाडेल्फिया जाके वहां से प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने भागवतम में, जो चौथा स्कंध हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमने 9वां अध्याय परसों समाप्त किया था, अभी हम 10वें अध्याय पे हैं। 10वें अध्याय का शीर्षक है कि ध्रुव महाराज कैसे यक्षों के साथ युद्ध करते हैं। देखिए अभी जैसे हमारा उद्देश्य है कि हम भागवतम कंटिन्यू करते रहेंगे लॉकडाउन के बाद भी, अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है, राधा गोपीनाथ मंदिर भी खुल गया है, लोगों को एंट्री देना स्टार्ट कर दिया है, तो हो सकता है कि अभी ये धीरे धीरे और खुलता रहेगा, पर हम ये दोनों कार्य जो है सुबह के जप और शाम का भागवतम दोनों में कंटिन्यू कर बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हम भागवतम भी अभी जो है इस तरह से जा रहे हैं कि जितना लंबा चलेगा भागवतम चैतन्य चितामृत, क्योंकि अभी हम आगे जितना समय हमें कृष्णा अलाउ करेंगे हम भागवतम करते रहेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा धीरे भी जा रहे हैं जिससे हम लोग रोज ज्यादा सुन सके हरि कथा। तो ये जो है 10वां अध्याय, ध्रुव महाराज यक्षों के साथ युद्ध करते हैं। तो इस अध्याय में पहले 2 श्लोक में ध्रुव महाराज की शादी और उनके पुत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। 3 से 7 क्रमांक श्लोक में कैसे उत्तम जो है उनका, उनके जो भाई है उनका वध हो जाता है, उनको मार देते हैं यक्ष, जिससे ध्रुव महाराज क्रोधित होकर अलकापुरी जाते हैं, वो वर्णन है। फिर 8 से 12 श्लोकों में ध्रुव महाराज कैसे यक्ष के साथ लड़ते हैं उसका वर्णन है। 13 से 17 श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि ध्रुव महाराज जो है ऐसा मानो व्यतीत हो रहा था कि ध्रुव महाराज कैसे यक्षा का अंत कर रहे हैं और कैसे उनको परास्त करते हैं। फिर 18 से 21 श्लोकों में वर्णन आता है कि यक्ष कैसे रण छोड़ के भाग जाते हैं। फिर 22 से 28 में यक्ष कैसे एक माया की शक्ति का जो है वो प्राकट्य करते हैं जिससे ध्रुव महाराज भ्रमित हो जाते हैं। और फिर 29 और 30 श्लोक में जो आखिरी के 2 श्लोक हैं उसमें बताया जाता है कि साधु आते हैं और वो आके प्रार्थना करते हैं ध्रुव महाराज की सुरक्षा के लिए। तो ये संक्षेप में पूरे जो है अध्याय का ओवरव्यू में हमने आपको बता दिया। अभी हम श्लोकों में जाते हैं। देखिए पहला श्लोक आ रहा है, मैत्रेय उवाच प्रजापते धूतरम शुश्रुमारस्य वै ध्रुव उपेम ब्रह्मणि नाम तत्सुतो कल्प वत्सरो। तो देखिए धूतरम, धूतरम मतलब बेटी, तो संस्कृत में मात्रा स्वार्षा धूत्रवा, ये 3 शब्द आते हैं। मात्रा मतलब माँ, स्वार्षा मतलब बहन सिस्टर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, और धूत्रवा, धूत्रवा मतलब बेटी। तो यहाँ धूत्रवा शब्द का प्रयोग आया है कि प्रजापति जो है, तो अभी मैत्र विदुर जी को बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज का विवाह हुआ तो प्रजापति शिशुमार जो थे उनकी पुत्री थी जिनका नाम था ब्रह्मी, तो ब्रह्मी से उनका विवाह हुआ और उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, कल्प और वत्सरा। तो इन दोनों का वर्णन है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज का विवाह हुआ, लेकिन ये विवाह कब हुआ, उनके राजा बनने के पश्चात। तो उनके जो पिताजी थे
उत्तानापाद हमने पिछले अध्याय में देखा कि उन्होंने उनको राजगद्दी पर बिठाया, उनको राजा बताया बनाया और वो जंगल में चले गए आत्म साक्षात्कार के लिए। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उत्तानापाद अपने पुत्र से आसक्त थे, और हर एक पिता की आसक्ति होती है अपने पुत्र और पुत्रियों का जल्दी से जल्दी विवाह कराना। तो प्रश्न ये आता है कि उन्होंने अपना घर छोड़ के क्यों चले गए पुत्र के विवाह से होने से पहले, क्योंकि प्रभुपाद कुछ जवाब दे रहे हैं कि महाराज उत्तानापाद राज ऋषि थे, अर्थात वो राजा भी थे और साथ में ऋषि भी थे। भले ही उन्होंने पूरा राज पाठ संभाला हो था, लेकिन उनको ये भी मालूम था कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जैसे उनको लगा कि ध्रुव महाराज जो हैं वो सक्षम है पूरा राज्य संभालने के लिए, तो उन्होंने राजपाट उसको दे दिया और तुरंत निकल गए। तो जैसे उनका बेटा जब 6-5 साल का था तो वो भी घर छोड़ के पूरी तरह से निकल गया था आत्म साक्षात्कार के लिए। तो जैसे बच्चे में गुण थे, ध्रुव में गुण थे, वही गुण वास्तविक रूप में उसके पिता के थे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे बाप और बेटे दोनों में भक्ति या आध्यात्म की जागृति सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता थी और बाकी चीजें नहीं। इसलिए उसके पिताजी अपने बेटे के विवाह के लिए भी नहीं रुके, उससे पहले ही आत्म साक्षात्कार के लिए निकल गए। तो ये चीज हमें समझना है कि देखिए हम लोग तो कहीं जंगल में जाने वालों में से है नहीं। प्रभुपाद दूसरी जगह लिखे हैं कि अभी तो जंगल बचे भी नहीं है पूरे विश्व में, और जंगल में जाके कुछ फायदा भी नहीं होगा। तो हमें तो अपने ही जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं पे रह के हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना है। लेकिन जैसे बताया गया है कि हमारा हम सब कार्य करते हुए भी हमारा मन जो है ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भगवान की सेवा में, कृष्ण भगवान का स्मरण, कृष्ण भगवान का श्रवण जो है नाम जप, उसमें बढ़ते जाना चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग हर कार्य करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावनामृत रह सकते हैं। दूसरे श्लोक में आ रहा है इलायाम अपि भार्यायाम वयो पुत्रायाम महाबल पुत्रम उत्कल नामानाम योषित रत्न नाम अजीजन। तो अभी दूसरे विवाह हुआ था, ध्रुव महाराज की दूसरी बीवी थी जिसका नाम था इला, जो वायुदेव की पुत्री थी, और उससे उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई और एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था उत्कल। तो ये उसका वर्णन किया गया है। फिर बताया जाता है कि ध्रुव महाराज के जो भाई थे उत्तम, जिसका विवाह नहीं हुआ था, वो जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, और जब जंगल में शिकार करने गए तो वहां पे यक्ष लोगों ने उन पे आक्रमण किया जो हिमालय पर्वत में रहते हैं, और उनको मार दिया। तो हतः शब्द का प्रयोग आया, हतः मतलब हत्या हो गई, उनको मार दिया गया यक्षों के द्वारा पहाड़ों में। तो यही यक्ष थे जो हिमालय पर्वत में एक बार भीमसेन को भी ललकारते हैं। तो जब वो जो है कमल लेने जाते हैं तो भीमसेन का भी यक्षों के साथ युद्ध होता है। तो वो महाभारत में एक अलग कथा आती है, वजह से आपको वर्णन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर मन वर्णन आता है कि उनकी माता सुरुचि भी जो है उस जंगल में चली जाती है अपने पुत्र की खोज में, और वो भी वहां पे उसका उनका अंत हो जाता है। ध्रुव महाराज को जैसे ही मालूम चलता है कि कैसे उनके भाई को यक्षों ने मारा है, तो वो सुनते ही एकदम क्रोधित हो जाते हैं और वो अपना रथ लेके जो है उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए अलकापुरी पहुंच जाते हैं। तो कोपह, कोपह शब्द मतलब क्रोध। तो अभी ये क्रोध जब दूसरों के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, जब कोई वैष्णव पे आक्रमण होता है या वैष्णव की कोई निंदा करता है तो वो स्वीकार करने योग्य है, वरना क्रोध अपने लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए करना अनुचित है। तो वैष्णव जो होते हैं वो अपने लिए जब भी कुछ उनके साथ बुरा होता है तो वो जो है सहन कर लेते हैं, वो कभी प्रतिकार नहीं करते। तो भक्तों को ये ध्यान रखना है कि इस भौतिक जगत में हम रहेंगे तो अवश्य कोई ना कोई हमारा सम्मान करेगा, कोई ना कोई हमारा अपमान करेगा। तो उन दोनों चीजों से विचलित नहीं होना है और हमें समानता बनाए रखनी है। तो क्रोध के लिए बताया जाता है, अगर यहाँ पे तो क्योंकि उनके भाई का अंत हो गया था, यक्षों ने उनको मार दिया था, इसलिए क्रोधित हुए, वरना क्रोध को एक एसिड के समान बताया जाता है। अब देखिए एसिड का गुण क्या होता है, अगर आप उसको सही कंटेनर में, सही बर्तन में नहीं रखेंगे तो
तो वो एसिड इतना खतरनाक होता है, जिस कंटेनर में है वो कंटेनर को जला देगा। तो इसलिए आप देखते हैं एसिड हमेशा कांच के बॉटल में रखा जाता है। अगर कांच के बॉटल में नहीं रख के आप किसी भी दूसरे पदार्थ के बॉटल में रखोगे, भले ही वो लोहा है, स्टील है, मिट्टी है या कोई भी है, उसको तुरंत जला डालेगा। तो बोलते हैं क्रोध भी वैसा ही है, जो व्यक्ति क्रोध अपने अंदर रखता है वो स्वयं पहले उस क्रोध से जलता रहता है। जैसे एसिड जिस कंटेनर में है, जिस बर्तन में है, वो बर्तन को जला देगा। तो अगर हम अपने हृदय के अंदर क्रोध रखेंगे तो क्रोध पहले हमारा नाश करेगा, फिर बाद में जो है दूसरों का नाश करेगा। तो क्रोध कभी भी नहीं रखना चाहिए। और जैसे हमने हनुमान जी का कथा में सुना था, सीता माता बोलती है सबसे उत्तम गुण है क्षमा। अगर हम लोगों को क्षमा करेंगे तो उससे हमारा जीवन भी जो है कल्याणकारी होगा और दूसरों का। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में चौथे श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतने महान भक्त थे और वो जो है अपने दुश्मनों के प्रति द्वेष भावना आ गई और वो युद्ध करना चाहते थे। तो ये गलत धारणा है कि एक भक्त को क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो ये बोलते हैं ध्रुव महाराज द किंग एंड वर्सेस When his brother was unceremoniously killed, what is duty to revenge against the Yakshas? तो पहले ये बोलते हैं कि अरे ऐसा लग रहा है कि ध्रुव महाराज ने तो साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया था, तो वो क्रोधित क्यों हुए, तो क्रोध तो नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं नहीं, एक राजा का कर्तव्य है कि अगर कोई बेकसूर का जो है किसी का हत्या हो जाए तो उसका पूरा बदला लेना चाहिए। तो उसी के बदला लेते हुए वो जो है उन्होंने अलकापुरी पर प्रस्थान किया, तो हिमालय की ओर गए। और बताया जाता है वो जगह जो है पूरे के पूरे भूतों से भरा हुआ था। हाँ, भुयका, भुयका मतलब घोस्टली पर्संस, और ये लोग सब शिव के अनुयायी थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं यक्ष जो है वो लोग शिव के भक्त होते हैं, और यक्ष राक्षस जो बोलते हैं हम लोग। तो अभी बोलते हैं प्रभुपाद कि आज भी जो तिब्बतियन लोग हैं, तिब्बत में रहते हैं, तो वो लोग जो हिमालय के रहने वाले ये जंगली लोगों में से हैं, और ये समझते हैं कि वो यक्ष के अनुयायी हैं, तिब्बत के रहने वाले लोग। तो ये इसमें प्रभुपाद 5वें श्लोक में तात्पर्य में बता रहे हैं। उधर जाके तुरंत जो है ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुंच के उन्होंने अपना शंख निकाला और जो है जोरदार शंख बजाया, जिससे बताया जाता है पूरे आसमान में और चारों दिशाओं में शंख का ध्वनि गूंजने लगी। तो जितने भी यक्ष की बीवियां थी वो सारी सारी घबरा गई, और उनको उनकी आंखों में तुरंत दिख रहा था कि अभी कुछ अनहोनी होने वाली है, और वो पूरी चिंताग्रस्त हो गई थी। तो शंखम, शंखम मतलब जो शंख हम बजाते हैं वो, और बोलते हैं दिशा च अनुध्यायना, तो चारों दिशाओं में उसका गर्जन हो गया जिससे सारे के सारे विचलित हो गए। तो फिर जो है विदुर जी को बोल रहे हैं मैत्र ऋषि कि कैसे यक्ष जो है वो कोई उनको ललकारे, तो वो कोई भी एक क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय तुरंत युद्ध करने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। तो जैसे उन्होंने ध्रुव महाराज का शंख सुना, तुरंत वो जो है अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ बाहर आ गए ध्रुव महाराज को आक्रमण करने के लिए। तो ध्रुव महाराज बताया जाता है जो एक खुद महारथी थे और धनुर्विद्या में भी उनको पांडित्य था, बहुत ज्ञानी थे वो युद्ध करने में भी। तो तुरंत जो है वो यक्षों पे आक्रमण करने लगे, और वो एक साथ तीन तीन तीर छोड़ रहे थे। तो बाने त्रिभी त्रिभी करके इसमें आ रहा है, त्रिभी त्रिभी मतलब तीन तीन। हाँ, तो एक साथ तीर पे बाण पे तीन तीन तीर लगा के छोड़ना जो है, ये इतना निपुणता थी ध्रुव महाराज के युद्ध शैली में। तो वो दिखा रहे थे यक्षों के साथ युद्ध करते समय। तो जैसे ही उन पे आक्रमण होने लगा तो वो समझ गए कि हमारा अंत निश्चित है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, और वो उनकी प्रशंसा करने लगे ध्रुव महाराज की, कि ध्रुव महाराज देखिए कितने सक्षम हैं अपने युद्ध करने में, युद्ध शैली में। तो यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि ये देखिए ये एक क्षत्रिय का स्वभाव है। क्षत्रिय भले परास्त हो रहा हो, लेकिन अगर उनका जो दुश्मन भी है, अगर वो युद्ध शैली में बहुत उत्तम हो, बहुत श्रेष्ठ हो, तो उसका युद्ध करते समय भी वो सम्मान करते हैं जो यक्ष ध्रुव महाराज का सम्मान कर रहे थे। और फिर बोलते हैं जैसे एक सर्प होता है, सर्प को आप अगर लात मार दो
वो उस सर्प से सहन नहीं होता। तो उसी प्रकार से यक्ष के जब तीरों का बौछार हो रहा था ध्रुव महाराज से, तो उनसे भी सहा नहीं गया, और वो लोग जो हैं उन दो गुना जो है छे छे तीर ऐसे करके उन पर छोड़ रहे थे। और फिर वर्णन आ रहा है कि तकरीबन ध्रुव महाराज यहाँ अकेले थे, और युद्ध करते समय यक्ष कितने थे, 1,30,000, और सारे के सारे बहुत शक्तिशाली थे, और सब एक साथ जो है आक्रमण करने लगे। और यहाँ पे अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का जो है 11वें और 12वें श्लोक में वर्णन किया गया है कैसे वो आक्रमण कर रहे थे। तो इसमें तीर है, फिर बोलते हैं परिघास करके एक अस्त्र है, फिर बोलते हैं निस्त्रमास, पशुलास, फिर पश्वधास, शक्ति, रिष्टिस, और ये सब है। अभी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो है आयरन ब्लजन्स, फिर तलवार, फिर त्रिशूल, फिर भाले, और जो है दूसरे सब वेपन्स, इसका ये भुशुंडी वेपन। अभी इसका क्या ये संस्कृत में लिखा है, ना इसका हिंदी है ना इंग्लिश है, पर ऐसे सब बहुत सारे अस्त्रों का आक्रमण किया ऐसे वर्णन है, क्योंकि सतयुग का युद्ध चल रहा है। तो बताया जाता है कि पूरे ध्रुव महाराज का जो रथ था वो पूरा का पूरा इन सब अस्त्र शस्त्रों से ढक गया था। जैसे वर्णन आता है कि पहाड़ जो होता है वो पहाड़ जो है बरसात से कभी कभी पूरी तरह से, बरसात से इतना बरसात आता है कि कभी वो पहाड़ नहीं दिखता, बादलों से और बरसात से पूरा ढक जाता है। तो विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर इसके ऊपर बताते हैं इस ये 13वां श्लोक के तात्पर्य में कि ध्रुव महाराज का भले ही रथ दुश्मनों के अस्त्र शस्त्रों से पूरा घिर गया था, और मानो कि जैसे कोई पहाड़ होता है जिसपे बहुत ज्यादा बरसात गिरता है, लेकिन ये बरसात गिरना अच्छा होता है क्योंकि इस पहाड़ पे जितना भी कचरा होता है वो पूरा धुल जाता है बरसात से। तो बोलते हैं उसी प्रकार से ध्रुव महाराज के ऊपर जब ये आक्रमण हुआ तो वो पूरी तरह से इससे और उत्तेजित होके युद्ध करने के लिए एकदम जो है तैयार हो जाएंगे। तो ये उत्तम तरीका है, उत्तम स्थिति है अगर ऐसा आक्रमण भी होगा तो। जैसे पहाड़ पे जब बहुत ज्यादा बरसात होता है तो उसके बाद हम देखते हैं पहाड़ और खूबसूरत लगता है, पूरी मिट्टी मिट्टी निकल जाती है। तो वैसे करके विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर इसकी स्तुति कर रहे हैं। फिर आगे 14वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि सिद्ध जो है वो लोग भी आसमान में आ गए थे, और वो सब जो है ध्रुव महाराज और यक्ष के बीच में युद्ध देख रहे थे। और जैसे ही ध्रुव महाराज का रथ पूरे अस्त्र शस्त्रों से घिर गया तो वो चिल्लाने लग गए और बोलने लगे, अरे अभी तो ध्रुव महाराज का अंत हो जाएगा। हाँ, तो बोलते हैं जिस तरह से सूर्य जो है समुद्र में प्रवेश कर देता है, जैसे सूर्यास्त हो जाता है, तो उनको लगा कि ये यक्षो रूपी समुद्र में ध्रुव महाराज जो है समाप्त हो रहे हैं, ऐसा उनको व्यतीत होने लगा। तो यहाँ पे मानव शब्द का प्रयोग आया हुआ है, तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो जितने भी मानव समाज हैं वो सब जो हैं हमारे जो पूर्वज हैं जिनको मनु बोलते हैं, तो उनके हम सब अनुयायी हैं, इसलिए हमको मानव बोलते हैं, मनुष्यों को मानव बोलते हैं। तो ये मनु से आते हैं, और प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक संस्कृति जो नियम है वो सब मनु ने बनाया है, और आज भी बताया जाता है जो हिंदू होते हैं वो मनु संहिता का पालन करते हैं। तो इसलिए मनुष्यों को मानव शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, और इसमें ध्रुव महाराज की विशेषता थी क्योंकि वो एक महान भक्त थे। अब सिद्ध लोगों के बारे में बताया गया है कि उनको सिद्धि प्राप्त हुई है, उनको कोई विमान की आवश्यकता नहीं है, वो अपने से सिद्धि के मात्र से कहीं पे भी उड़ के जा सकते हैं। तो ये दूसरे लोगों की वर्णन है जो सिर्फ, जैसे हम लोग भूलोक में हैं, हमने पहले भी चर्चा किया है, भूलोक के अलावा जो है 14 लोक हैं भूलोक को मिला के अगर आप बोले तो 7 लोक ऊपर हैं और तकरीबन 6 लोक हमारे नीचे हैं, तो टोटल 14 लोक हैं। तो उसमें से एक सिद्ध लोक आता है। तो सिद्ध लोक में जो जीव है वो इतनी सिद्धि प्राप्त किए हैं कि वो बिना विमान के 14 लोकों में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब कोई भक्त भक्ति करता है तो भक्ति करने से भगवान उनकी हमेशा सुरक्षा करते हैं, भगवान उनके हमेशा जो है उन पे कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि सिर्फ भगवान ही नहीं पर देवतागण भी
जो है वो हमेशा एक भक्त को बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो देखिए, भक्ति इतना महत्वपूर्ण कार्य है जिससे भगवान और साथ साथ देवतागण वो दोनों ही मदद करने के लिए भक्तों को हमेशा तत्पर रहते हैं। फिर जैसे यहाँ पे अंतिम चीज में बताया था कि सिद्धलोक निवासियों को ऐसा लगा कि जो ध्रुव महाराज हैं वो एक सूर्य के समान है और जो यक्ष के समुद्र में वो जैसे सूर्य सूर्यास्त हो जाता है, तो वैसे उनको लगा कि समुद्र रूपी यक्षों के बीच में उनका सूर्यास्त हो रहा है। तो उसके ऊपर अंत में बता रहे हैं कि जब सूर्यास्त होता है तो ऐसा मानो व्यतीत होता है कि सूर्य जो है समुद्र में डूब रहा हो, पर वास्तविक ऐसा नहीं है, सूर्य कभी समुद्र में डूबता नहीं। तो उसी प्रकार से ध्रुव महाराज कभी भी यक्षों से परास्त नहीं होने वाले। सूर्य वापस से उदय होता है जब उसका रात्रि का समय अंत हो जाता है, उसी प्रकार से समय आने पे ध्रुव महाराज वापस से प्रकट होने वाले हैं और वो इन सारे यक्षों को परास्त करेंगे, हराएंगे। तो हम लोग ये जो भागवत सुन रहे हैं और भक्ति के बारे में हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अभी हमारे अलावा जो है पूरे विश्व भर में जो है लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं। अब भारतीय संस्कृति का तो हमें मालूम है, पर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन जो रशिया का एक भाग है, वहां पे वार्षिक महोत्सव होता है और उस महोत्सव में यूक्रेनी भक्त मतलब रशियन डिवोटी जो लोग रहते हैं वो लोग 10,000 की संख्या में आते हैं। 10,000 सोचिए, और सब लोग उसमें भाग लेते हैं, सब लोग जप करते हैं, सब लोग प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो देखिए, प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व भर में ये आध्यात्मिक आंदोलन चालू हो गया है और जो जो जीव इससे जुड़ेगा तो उनका कल्याण होगा। तो जैसे हमने चर्चा किया हुआ है पहले भी कि जो इस्कॉन के साथ जुड़ जाएगा, तो इस्कॉन मतलब जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है, और भगवान अवतार तभी लेते हैं जब परितनाय साधुना, सभी साधुओं को कल्याण करने के लिए उनको भगवत धाम ले जाने के लिए। तो जो इस्कॉन से जुड़ेगा और जीवन पर्यंत जुड़ा रहेगा तो उनका कल्याण होगा, वो भगवत धाम जाने। तो प्रभुपाद बोलते थे लॉर्ड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, अर्थात भगवान उनको मदद करते हैं जो जो कोई अपने आप का खुद मदद करता है। अगर हम खुद मेहनत करने की कोशिश करें और जो है आध्यात्म में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो भगवान हमें पूरी तरह से मदद करेंगे। तो हम सबको जितना हो सके परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो महाराज ने एक बार परमहंस प्रभु को पूछा था कि कैसे चल रहा है, तो महाराज को उन्होंने बोला, महाराज आई एम स्ट्रगलिंग, मैं बहुत मतलब बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। तो महाराज ने उनको जवाब दिया कि ये संघर्ष बाहर के भौतिक संघर्ष से मच काफी बेहतर है। तो लोग बाहर के भौतिक जीवन में भी संघर्ष कर रहे हैं, पर भक्तों का संघर्ष उससे बढ़कर है। क्यों? क्योंकि ये संघर्ष उनके जीवन का आखिरी संघर्ष होगा और इससे वो अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा पाएंगे। तो प्रभुपाद जो थे उन्होंने एक चीज, जैसे हमने एक श्लोक सुना हुआ है जहाँ विष्णु भगवान बोलते हैं, नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनाम हृदयेश्वा यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारद, कि मैं कहाँ निवास करता हूँ, जहाँ मेरे भक्त लोग कीर्तन करते हैं। तो वैकुंठ में वास्तविक रूप में भगवान का धाम है। सबको मालूम है कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं, वैकुंठ में अनगिनत लोक हैं, भगवान वहां पे है। लेकिन भगवान खुद क्या बोल रहे हैं कि मैं वहां नहीं रह रहा हूँ, मैं कहाँ रह रहा हूँ, जहाँ मेरे भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। वैसे प्रभुपाद से कई बार जो है पूछा गया था, तो प्रभुपाद ने अलग अलग समय पे एक ही जवाब दिया, मैं कभी इस्कॉन छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपने किताबों के द्वारा हमेशा इस्कॉन में रहूंगा। तो प्रभुपाद विग्रह के रूप में हैं, प्रभुपाद अपने भक्तों के द्वारा भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रभुपाद ने कहा था कि मैंने जो है जो भी मुझे अपने शिक्षण अपने भक्तों को देना था आने वाले 10,000 साल के लिए, वो मैं सब अपने किताबों में देके जा रहा हूँ। तो जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं, जब हम भागवतम सुन रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये प्रभुपाद के स्वयं के दिए हुए शिक्षण है जो 10,000 साल तक लागू होने वाले हैं, और उससे हम प्रभुपाद का साक्षात संग कर पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत
आवश्यक है कि हम इन पुस्तकों को अच्छे से समझें। और जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद के समय में भी, जब प्रभुपाद इस पृथ्वी पे थे, लीला कर रहे थे, प्रचार कार्य कर रहे थे, तो जब कोई भक्त प्रभुपाद से मिल नहीं पाते थे, तब भी प्रभुपाद ने बताया था कि अगर मेरे से आप लोग को मिलना है तो मेरी किताबें पढ़िए, तो किताबें पढ़ने से जो मैं आप लोग को शिक्षण देना चाहता हूँ वो सब आपको मिल जाएगा। तो जो प्रभुपाद स्वयं थे तब भी उनका एक ही शिक्षण था कि मेरे किताबें आप पढ़िए, तो किताबें पढ़ने से आपको सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग अभी ये 15वें श्लोक में देख रहे हैं। यक्ष को लगा कि अरे हम विजय प्राप्त कर रहे हैं, हमने ध्रुव महाराज को परास्त कर दिया है, और जो है ध्रुव महाराज जो है उस वक्त दिख भी नहीं रहे थे। और 15वें श्लोक में बोलते हैं जैसे सूर्य कभी कभी जो है कोहरा से छिप जाता है, तो उसी प्रकार से ध्रुव महाराज दिख नहीं रहे थे। तो ये प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि जैसे सूरज कभी कभी कोहरे से छप जाता है, तो वैसे ध्रुव महाराज जो सूरज के समान थे और यक्ष रूपी लोग वो कोहरे के समान थे। तो बोलते हैं कि कभी भी सूरज को कोहरे से छुपाना असंभव है। हाँ, कुछ समय के लिए हो सकता है कि सूर्य जब सुबह का समय हो, ठंड ज्यादा हो, तो सूरज नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज का प्रकाश होता है तो कोहरम पूरा हट जाता है। तो बोलते हैं हमारी आंखें जो है बादल से छुप सकती है, हमारी आंखें से हम लोग सूर्य को नहीं देख सकते क्योंकि बादल बीच में आ जाता है, लेकिन कोई भी बादल जो है सूर्य को पूरी तरह से छुपा नहीं सकता। तो वैसे ही कोहरा जो है सूर्य को छुपा नहीं सकता, जैसे सूर्य का तेज बढ़ जाएगा तो कोहरा अपने आप नष्ट होगा, अर्थात ध्रुव महाराज अवश्य जो है वो विजयी होने वाले हैं। तो उसका वर्णन अभी आने वाले श्लोक में आएगा। तो अभी हमने कई दिनों से महाराज का जर्नी होम भी चर्चा नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा कि जर्नी होम के ऊपर भी थोड़ा आप लोगों को बताऊं, और हमारा गीता का भी मैंने बताया कि आखिरी के 10 मिनट हम लोग गीता भी चर्चा करेंगे। तो महाराज अभी जो है अपना वीजा एक्सटेंशन कराना चाहते थे, तो वो नेपाल चले जाते हैं, तो उनको लगता है कि वहां से वीजा एक्सटेंशन हो सकता है, वहां पे बहुत आसान है। तो नेपाल जाने के लिए महाराज जो है पटना गए, पटना से नेपाल उस तरफ नॉर्थ की तरफ जाना आसान है। तो बोलते हैं वहां पे कलेक्टरी घाट पे महाराज सोते थे, वहां पे गंगा बहुत ही विस्तार पूर्वक बहती है, और महाराज रोज सुबह उठते थे और देखते थे कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं, स्नान कर रहे थे गंगा में, और जो है सब प्रार्थना करते थे। तो वहां पे मैंने एक व्यक्ति उनके पास आके मिला जो बिल्कुल एक साधु के रूप में दिख रहा था, और 70 साल का होगा, वो अंग्रेजी नहीं बोलता था, पर उसने मेरे सामने प्रणाम किया और मुझे अपने साथ चलने के लिए बोला। तो मैं काफी प्रभावित हो गया, उनको ऐसा लग रहा था कि शास्त्रों में से कोई साधु निकल कर आया है किताबों में से, तो उनको देख के मैं चला गया। तो वो मुझे एक मंदिर में लेके गए जो बहुत पुराना सा था, छोटा सा मंदिर था नदी के पास गंगा के तट पे। तो वहां पे एक 80 साल का व्यक्ति जो था वो बैठा हुआ था, वो भी जप कर रहा था वहां पे, और वो शुद्ध अंग्रेजी बोल रहा था। तो उसने बोला कि मेरा नाम नारायण प्रसाद है, मैं पटना का रहने वाला हूँ, और वो अपनी कहानी बताने लगा कि मेरे जैसे बच्चे बड़े हो गए तो मैंने अपने गवर्नमेंट की नौकरी से जो है मैंने छोड़ दी, और मैं यहाँ पे अपने गुरु की सेवा करता हूँ। और उन मेरा हाथ पकड़ के, राधानाथ स्वामी का हाथ पकड़ के वो लेके गए, और उनको इनसे बताया जो उनको लेकर आए थे। वो बोले ये राम सेवक स्वामी है और ये बड़े भक्ति योगी हैं। तो महाराज बोलते हैं पहली बार मुझे ये समझ में आया कि भक्ति और योगी दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो भक्ति मतलब डिवोशन मुझे मालूम था जो हम भक्ति करते हैं, और इसका जो है भक्ति करते हुए भी अलग अलग संप्रदाय में लोग अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं, भले कोई राम के भक्त हो, जैसे का नाम था राम सेवक, तो जो राम की सेवा करे। तो इन्होंने, राम सेवक जी ने उनको बोला, और ये नारायण प्रसाद ने, कि आपको जब तक चाहिए आप यहाँ रहिए। और तो महाराज को अच्छा लगा तो वो वहां रहना चालू किए। तो महाराज बोल रहे हैं कि ये राम सेवक जी मेरे को एक पिता के समान लग रहे थे,
और वो मेरे हमेशा मेरे वैसे अंग्रेजी बात नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा एक मुस्कुराते थे और मेरे हर चीज का ध्यान रखते थे। मेरे से उम्र में 4 गुना ज्यादा बड़े थे, मतलब 70 साल 80 साल तकरीबन आप पकड़ लीजिए, और महाराज सिर्फ 20 साल के थे तकरीबन। तकरीबन महाराज बोलते हैं कई बार वो अपने हाथ से मुझे खाना खिलाते थे। तो जब मैं बीमार पड़ा तो वो मेरे लिए जड़ी बूटी भी बनाते थे और मेरे को पिलाते थे। तो महाराज सोचने लगे कि ये तो ये इतने बड़े स्वामी हैं और मैं एक विदेशी लड़का हूँ, लेकिन इतना प्रेम से मेरा वो ध्यान रख रहे हैं। तो महाराज को उनके पास रहने से भक्ति क्या होती है, सेवा क्या होती है, वो महाराज को मालूम चला। और एक प्रामाणिक साधु और उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए वो महाराज सीखने लगे। तो बोलते उनके व्यवहार से, उनके कार्य करने से मुझे सीखने को मिल रहा था एक प्रामाणिक साधु कैसे उनको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बोलते हर सुबह ये जो राम सेवक थे वो कई घंटे जो है राम का नाम जप करने में लगाते थे, सुबह जप करते रहते। और उसके बाद जो है वो कभी कभी शास्त्रों में से भी कई घंटे पढ़ते रहते थे। तो फिर उन्होंने राम सेवक का मतलब बताया कि जो खुद राम से प्रेम करे और दूसरों को राम से प्रेम करने में मदद कराए, कि दूसरे लोग जो भूल चुके हैं राम को तो उनके प्रेम में उनको जोड़े और उनका जीवन सार्थक करे। तो फिर उन्होंने राम सेवक जी ने एक चीज बोला जो महाराज को बहुत अच्छा लगा, और वो सुन के नारायण प्रसाद और राधानाथ स्वामी दोनों जो है एकदम जो है चौंक गए। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे सेवा करने का आपका मौका दिया। अब देखिए राम सेवक का आश्रम था और राधानाथ स्वामी तो एक अमेरिकन लड़के थे जो खोज में आए थे और ऐसे जो है गंगा के तट पे थे, उनको अपने आश्रम में लेकर आए, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, उनको रहने का जगह दिए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके ऊपर ये क्या बोल रहे हैं कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो ये सुन के राधानाथ महाराज और नारायण प्रसाद दोनों जो है चंबित हो गए। तो मैंने कई बार राधानाथ महाराज के साथ क्लोज डीलिंग में देखा है कि महाराज भी कई लोगों को बोलते थे, गेस्ट को, कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो मैं सोचता था अरे हमने उनको इतना अच्छा भोजन कराया, गिफ्ट्स दिया, ये किया, और ये लोग तो कुछ किए ही नहीं, ये लोग तो सिर्फ आके खा पी के जा रहे हैं, और जो है महाराज उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमें सेवा का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई सालों से मेरे मन में ये चीज था, पर आज यहाँ जब महाराज लिख रहे हैं तब मुझे समझ में आ रहा है कि एक साधु होता है वो दूसरों की सेवा करने के बाद सामने वाले को धन्यवाद देता है कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो वैसे ही अगर हमारे जीवन में हम लोग ने, हो सकता है बहुत अनगिनत लोगों की सेवा की हो, जैसे मैं कई भक्तों को जानता हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन, स्पेशली भाग्यवंती वैष्णव जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा करते गए हैं। तो सेवा करते समय हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने जो है हमें सेवा करने का मौका दिया, तो उससे हम कृतार्थ हुए क्योंकि हम उनकी सेवा कर पाए। तो अभी महाराज बताते हैं कि जब हम रात को, तो ये जो है असली भक्ति का तत्व है, मेरे उनके पास से समझ में आया। अब रात को महाराज सो रहे थे तो महाराज बोलते हैं कि उधर ऐसे मच्छर थे, ऐसे भयंकर मच्छर थे जो मेरे कान के पास अगर गुनगुनाते थे और रात को ऐसा मेरे जो है खून चूसते थे मेरा, और सोना तो मेरे लिए असंभव था। और मैं देखा कि राम सेवक और नारायण प्रसाद दोनों आराम से सोए हैं और बिल्कुल उनको जो है फर्क नहीं पड़ रहा, आराम से पत्थर पे सोए हैं। तो इन दोनों को देख के महाराज बोलते हैं मैंने भी प्रार्थना की कि कब मेरे में भी ऐसी जो है आसक्ति खत्म हो जाएगी और मैं भी इनसे इनके जैसे जो है मजबूत बन पाऊंगा। तो अभी बताते हैं कि उधर एक दूसरे साधु आए रहने के लिए और उसने कहीं से तो मधुकरी करके चावल दाल लेकर आए, और चावल दाल लेकर आके उन्होंने आलू के साथ खिचड़ी बनाया। तो ये प्रथा थी कि ये तो सब साधुओं को कभी कभी बना के खिलाते थे। तो बनाया उन्होंने वो खिचड़ी और हम लोग सब बैठे थे और सबको जो है पत्तल पे डाल के दिया। तो महाराज ने पहला निवाला, तो अच्छा वो भी पूरा राम जी को भोग लगा के प्रसाद बना के फिर खाया उन्होंने। तो जब पहला निवाला खाया महाराज बोलते हैं मेरे कान में से धुआं निकलने लगा, नाक में से धुआं निकलने लगा,
ऐसा मानो व्यतीत हो रहा था कि जो लाल मिर्ची का पाउडर में थोड़ा सा उसने चावल दाल का चौक मारा हो। वैसे कैसे होता है, जब खिचड़ी बनाते हैं तो चावल दाल की खिचड़ी होती है, उसमें थोड़ा सा हम लोग लाल मिर्ची का चौक लगाते हैं। तो महाराज बोल रहे हैं मेरे को तो ऐसा व्यतीत हो रहा था कि पूरा तोप लाल मिर्ची का था, उसमें उसने थोड़ा चावल दाल का चौक मारा हो। इतना तीखा कि मेरा पसीना निकलने लगा, नाक बहने लगी, आंखों में से आंसू आने लगे और कान में से भी मेरा जो है ऐसा धुआं निकलने लगा। और अभी जो है साधुओं के बीच में एक प्रथा थी कि जो थाली में आया है उसको आपको खत्म ही करना चाहिए, आप फेंक नहीं सकते। तो महाराज बोल रहे थे मेरे जीवन का अभी एक ही लक्ष्य दिख रहा था कि ये थाली में जो भोजन है वो खत्म करूं मैं। बोलते एक एक निवाला खाते समय ऐसा दर्द हो रहा था और मैं ऐसा हिचकियां खा रहा था बिल्कुल जो है आप सोच नहीं सकते। तो एक एक जो है निवाला खाते समय मेरा मुंह पूरा जल रहा था और मैं इतना जो है दर्द हो रहा था मेरे को इतना तीखा खाने को। और कोई दूसरे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या परेशानी हो रही है, क्या मुश्किल हो रहा है। और महाराज बोलते कैसे करके मेहनत करके मैंने अपना थाली खत्म किया, मतलब जो पत्तल में था। और फिर दूसरे बार सर्विंग करने आ गए वो जो जिन्होंने बनाया था, तो तुरंत मैंने अपने दोनों हाथ जो है थाली के ऊपर रख दिया और मैंने चिल्लाने लगा पूर्णम। अभी महाराज को हिंदी तो आता नहीं है, तो महाराज को एक दो शब्द सीखा हुआ था, पूर्णम 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 मेरा हो गया, मेरा हो गया। तो लेकिन वो मुस्कुराते हुए तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बोल के पूरा एक थाली पूरा चम्मच भर के फिर से डाल दिया मेरे थाली पे। तो महाराज बोल रहे मुझे ऐसा लग रहा था वो साक्षात यमराज है और वो चमचा नहीं वो यमदंड है। मेरे इतने बोलने के बावजूद भी जो है उसने मुस्कुराते समय मेरे थाली में फिर से डाल दिया। तो महाराज बोल रहे मेरा सर तो ऐसा चक्कर आने लग गया। और महाराज बोले अभी क्या करूं मैं, कैसे कैसे ये करूं। तो महाराज बोले फिर जो है महाराज ने कैसे खत्म किया और वो तीसरी बार आ गया। तो तीसरी बार महाराज बोले मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा अगर ये खाना खाऊंगा। तो महाराज जो पत्तल है वो ही पूरा उठा लिया और अपने हाथ में मरोड़ दिया, जो डालेगा कहाँ वो भोजन अगर उसको डालना भी होगा तो। लेकिन उठ नहीं सकते थे क्योंकि जब तक सब साधु उठे नहीं तब तक एक वो सम्मान के रूप में आप जो है उठना नहीं चाहिए पहले। तो कम से कम महाराज बोलते हैं मैंने अपना पत्तल उठा दिया और मुझे लगा कि आज तो अपने जिंदगी भर की मिर्ची मैंने एक साथ ही खा ली। तो महाराज बोलते हैं कि जब से मैं छोटा बच्चा था तब से मैं किसी को भी जो है दुखी नहीं देख सकता था। तो दूसरों की खुशी के लिए मैं कितना भी दुख भोग सकता था, कितना भी तकलीफ ले सकता था। तो ये जो साधु था वो जो है मुस्कुराने लगा और बोलने लगा देखो इसको मेरा खाना कितना अच्छा लगा है, हाँ देखो उसके आंखों में से आंसू आ रहे हैं, ये कितना कृतज्ञ है मेरा भोजन खा के। तो अभी वो इसलिए रो रहे थे महाराज क्योंकि इतना उसको तीखा लगा था, अभी वो क्या समझाने बैठे। तो महाराज बोलते हैं मैंने जबरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कान किया और मैं सर झुकाया कि हाँ हाँ आपका खाना वाकई स्वादिष्ट था। तो महाराज लिखते हैं कि अगर किसी की आप सेवा करना चाहते हो तो उनकी उनकी खुशी के लिए आपको कभी कितना दर्द झेलना पड़ता है कोई सोच भी नहीं सकता। तो महाराज अपने इसमें लिखते हैं यस आई एम क्राइंग एंड इट्स may as well be in gratitude as he believes. To please others is not always easy. मतलब दूसरों को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। और मेरे हृदय में हमेशा ये रहता था कि मैं दूसरों को मदद कर सकूं। तो भले ही मुझे इतना तकलीफ हुआ लेकिन एक छोटा कीमत था इस साधु को प्रसन्न करने के लिए। तो अभी साधु को प्रसन्न करने के लिए महाराज बोल रहे हैं कि भले मैंने इतना टीका खाया, मेरा इतना जलन हुआ, पर ये साधु अगर मेरे से प्रसन्न हो रहा है तो उसके लिए एक छोटा कीमत है ये टीका खाना खाना। अर्थात हमें हमेशा अपने जीवन में ऐसा देखना चाहिए कि हम दूसरों को कैसे प्रसन्न कर सकें। महाराज बोलते हैं इस रात को जो है कोई भी मच्छर ने मुझे परेशान नहीं किया क्योंकि शायद मेरा खून इतना तीखा था कोई मच्छर भी मुझे मेरा खून पीना नहीं चाहते थे करके। तो फिर जो है आगे महाराज जर्नी होम में चर्चा करेंगे जो हम वापस से कल चर्चा करेंगे। तो थोड़ा अभी गीता में जहां हमने चर्चा किया है वहां पे हम 5 मिनट और आज का प्रवचन अंत करने से पहले कर लेते हैं। तो याद रखें हम जो प्रभुपाद ने बताया पर्पस ऑफ गीता क्या है, तो ये जो है हमें हमेशा याद रखना है। पर्पस हमारा सिद्धांत है गीता का कि भगवत धाम जाना। तो ये
उद्देश्य से हम गीता पढ़ रहे हैं और हमें गीता का पाठ करते रहना है। तो प्रभुपाद ने उधर आगे बताया है कि सिर्फ अर्जुन नहीं, हम सब चिंताग्रस्त हैं इस भौतिक जगत में। तो ये भौतिक जगत बनाया ही इस तरीके से है कि हर कोई हमेशा एंजाइटीज या चिंता में रहने वाला है। तो प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं, ब्रह्मा से लेके चीटी कोई भी सुखी नहीं है। तो अगर किसी के मन में गलत धारणा है कि भैया ये व्यक्ति सुखी है, तो वो उसका भ्रम है। वास्तविक रूप में हम लोग अनित्य काल के लिए भगवत धाम में रहते हैं, लेकिन अभी हम असत के संपर्क में हैं, इस भौतिक जगत के संपर्क में हैं, जो क्षण भंगुर है, कुछ समय के बाद समाप्त होने वाला है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गीता सुनने का योग्यता क्या है। अगर कोई ये प्रश्न पूछता है कि मैं अपने जीवन में दुख क्यों भोग रहा हूं, जब तक वो ये समझता नहीं है कि अरे मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे इसका समाधान चाहिए, तो वो योग्य व्यक्ति है गीता सुनने के लिए। तो अधिकांश लोग अपने जीवन में अगर वो आनंद भोग रहे हैं, उनको लग रहा है हाँ दुख है पर मैं अपने आप को संभाल लूंगा और मुझे कुछ आध्यात्म के ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो उनको गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको देने की कोशिश भी करोगे तो वो व्यक्ति सुनने वाला नहीं है, उसको स्वीकार करने वाला नहीं। अगर कोई अपने दुख तकलीफ से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया है, ये भक्ति रसामन महाराज भी बताते हैं यही पॉइंट, कि अगर वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया है और उसको समाधान चाहिए, वो व्यक्ति जो है गीता सुनने के लिए योग्य है। तो यहाँ पे ब्रह्म सूत्र का श्लोक आ रहा है, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है कि भगवान के बारे में जानना, कि ये अभिलाषा होनी चाहिए, वो भक्ति भाव का प्रारंभ है। तो हमें एक प्रश्न करना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और मृत्यु के बाद कहाँ से जाऊंगा। प्रभुपाद बोलते हैं, दीज आर द प्रॉपर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। तो 99.99% लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं 10,000 में से 999 लोग कोई पढ़ी नहीं है कि मैं कहाँ से आया था, मैं कहाँ पे जाऊंगा मृत्यु के बाद। उनको लग रहा है बस यही जीवन अपने में संपूर्ण है, इसमें जितना हो सकता है धन एकत्रित करो और इंद्रभोग करो, बस उनको ये कोई पड़ी नहीं है कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन गीता का प्रामाणिक जो शिष्य है, जो गीता समझना चाहता है, वो पहले ये समझता है कि भाई आत्मा है और आत्मा के स्वरूप से हम जो है अगले नए नए शरीर में जाते रहेंगे अगर हम भक्ति नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह पे, लाखों करोड़ों सालों से हम लोग जो है 84 लाख योनियों में घूमते हुए आ रहे हैं। भाई मनुष्य योनि तो आखिरी वाला योनि है, उससे पहले जो है 80 लाख योनि है, और 80 लाख योनियों में हमें हर योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो वो पूरा चक्कर लगा के अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर में अगर हम भक्ति नहीं करते हैं और जो है भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तो वापस से जानवर की योनि में हम जा सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान जो है अवतरित होते हैं मनुष्यों को उनका जीवन का उद्देश्य बताने के लिए, और उस उद्देश्य से उन्होंने गीता बताया है। तो गीता यहाँ बता रहे हैं, कृष्ण भगवान का एक उद्देश्य है कि मानव समाज को ये बताना कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त करना है। जैसे बताया जाता है, जब भी हम कोई वॉशिंग मशीन लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। तो ये हमारे इस्कॉन के स्टार्टिंग के दिनों में हमें सिखाया जाता है कि वो जो मैनुअल किताब होता है वो बताता है कि भाई वॉशिंग मशीन कैसे इस्तेमाल करना है, या बाइक कैसे इस्तेमाल करनी है, मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है। तो गीता भगवान ने बताया है कि हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है। तो जो अर्जुन थे, वास्तविक रूप में उनको सिर्फ भ्रमित भगवान ने किया था, जिससे के कारण वो हम जैसे मनुष्यों को 5,000 साल के बाद भी जो है वो ज्ञान दे सके। तो अर्जुन तो सिर्फ निमित्त थे, तो हमें यह समझना चाहिए कि अर्जुन जैसे भ्रमित हुए थे तो वो भगवान की लीला थी जिसके कारण वो गीता सुना सके, और अर्जुन के द्वारा जो है कृष्ण भगवान हम जैसे जीवों को उद्धार के लिए गीता सुनाना चाहते थे। तो फिर बोलते हैं कि किसी जीव को लगता है अरे मैं स्वतंत्र हूं, तो
तो वो वास्तविक में प्रभुपाद लिख रहे हैं वो पागल है, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रकृति के हमेशा अधीन ही रहने वाला है। तो गीता में पांच चीजों के बारे में वर्णन किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान रखना है। गीता मतलब पांच चीजों के बारे में वर्णन किया है, ईश्वर जो भगवान कृष्ण है, जीव जो हम लोग हैं, प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, फिर काल समय का प्रभाव और कर्म। तो ये पांच चीजों पे, फाइव थिंग्स जिसके ऊपर गीता पूरा विस्तारित रूप में बताया गया है, ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म, तो इन सब चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। जो प्रकृति है वो प्रकृति मतलब भगवान की प्रकृति, तो भगवान के निर्देशन पे कार्य कर रही है, तो प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान की प्रकृति है। भगवान स्वयं बोलते हैं गीता में, मया दक्षेण प्रकृति, मया दक्षेण प्रकृति मतलब ये मेरी प्रकृति है, ये मेरे कहने पे इसका कार्य हो रहा। तो जो इस प्रकृति में हम लोग रह रहे हैं ये हमें समझना चाहिए, पूरे भगवान की प्रकृति है ये। तो प्रभुपाद इसी चीज को उदाहरण को समझाने के बोलते हैं, अगर आप कोई गाड़ी देखते हो तो हम समझते हैं कि गाड़ी अपने आप नहीं चलती है, ड्राइवर लगेगा, या कोई मशीन देखते हो तो मशीन चलाने के लिए आपको बिजली लगता है, नहीं तो बिजली के बिना कोई मशीन नहीं चलता। तो उसी प्रकार से जब हम प्रकृति बोलते हैं तो किसकी प्रकृति, ये है भगवान की प्रकृति, तो ये प्रकृति के लिए बोलते हैं। फिर बोलते हैं हम लोग जो है वो भगवान के अंश हैं, तो बोलते हैं एक सोने की खान में जितना सोना हो और एक छोटा सा आप सोने का अंगूठी ले लो, तो जो सोने की खान में सोना है और अंगूठी में सोना है दोनों सेम पदार्थ के होते हैं, दोनों का रूप और गुण सेम होता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि भगवान में और हम में गुण सेम है, दोनों में समानता है, लेकिन वो विभू है हम अनु हैं, अर्थात जैसे सोने का खान है वो और हम एक छोटे से अंगूठी के समान है, या जैसे बोलते हैं समुद्र, समुद्र में भी खारा पानी है और एक आप एक बूंद पानी अपने हाथ में ले लो तो वो भी खारा है, तो दोनों खारा है लेकिन वो समुद्र है, हम एक बूंद है। तो ये जो है भगवान और जीव में भिन्नता है। फिर प्रकृति के बारे में और बताते हैं, और फिर कर्म क्या है वो सब बताते हैं, तो ये सब हम कल जो है और चर्चा करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम गीता के ऊपर भी आगे जो है हम चर्चा करते रहेंगे, आखिरी के 10 मिनट जिसे हम भागवत के साथ साथ गीता का भी पाठ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, हरे कृष्णा।